गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग सप्लाई चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ना है क्या चीज़, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व के बारे में, कि इंडिविजुअल सप्लाई कर्व जो रिलेशन बताता है सप्लाई एंड द प्राइस के बीच में, व्हेन एन इंडिविजुअल कर्व रिफर टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल्स वेयर ईच पॉइंट ऑन द कर्व शो द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी देन द इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। यहाँ से देखिए आप क्या लिखा हुआ है, देन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स। यहां देखिए, दैट एन इंडिविजुअल्स प्रोड्यूसर आर विलिंग एंड एबल टू सेल द गिवन एबल टू सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड टाइम। तो इसे कहते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। तो हम लोग कह सकते हैं बेटा इंडिविजुअल सप्लायर, ठीक, विलिंग टू प्रोड्यूस एंड एबल टू सेल एट अ गिवन प्राइस इज कॉल्ड द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई मीनिंग, अब इंडिविजुअल सप्लाई की मीनिंग ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर ली थी पहले भी लेक्चर में। अब देखिए यहाँ पे ये यह होता है, प्राइस अगर 10 है और 20, 30 एंड 40, क्वांटिटी डिमांड 10, 20, 30, ठीक है। अब देखिए प्राइस अगर हमारी 15 है तो क्वांटिटी डिमांडेड बाई 10 है। तो प्राइस अगर हमारी क्या थी, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस हमारी कितनी है, 15 है, तो क्वांटिटी सप्लाई कितनी है हमारी, 10 है। अब प्राइस हमारी बढ़ करके 30 हो गई, तो क्वांटिटी सप्लाई हमारी कितनी हो गई, 30 हो गई। तो अब देखिए यहाँ पर प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। यहाँ पर भी हमारा सेट्रस पैरेबस अप्लाई करेगा। अदर फैक्टर्स को क्या माना गया, अजम्पशन क्या है हमारा, अजम्पशन इज दैट अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट। ये चीजें हमारी आएगी, अदर थिंग्स रिमेन द कॉन्स्टेंट। प्राइस के इफेक्ट से जो प्राइस है, ओनली प्राइस के इफेक्ट से सप्लाई पे क्या चेंजेस होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। ये कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस, व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई इज आल्सो डिक्रीजेस, वाई वर्सा, ठीक है। बट अदर थिंग्स रिमेन द कॉन्स्टेंट, इट इज कॉल्ड अ सेट्रस पैरेबस, ठीक है। दैट इज द डिमांड कर्व, दैट्स व्हाई डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। ये क्या हो रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। और रीजन पूछते हैं व्हाई द सप्लाई कर्व ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग, तो वी विल एक्सप्लेन दैट ड्यू टू द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाई। व्हेन द प्राइस इज इंक्रीजेस द क्वांटिटी सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस, बट अदर थिंग द रिमेन द कॉन्स्टेंट इन दिस लॉ, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, सप्लाई इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल टेबल एंड कर्व। वेयर द मार्केट सप्लाई, अब मार्केट की बात करते हैं, मार्केट सप्लाई कर्व रिफर टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्केट सप्लाई एंड शेड्यूल वेयर ईच पॉइंट ऑफ द सप्लाई एंड ईच पॉइंट ऑफ द कर्व शो द क्वांटिटी ऑफ द कॉमोडिटी दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स। यहाँ से मीनिंग है, यहाँ पर क्या गया मेन वर्ड, ये बाकी सब कुछ सेम है। All the producer think together for the commodity of willings, क्या करता है willings, पहला point, willing keyword है, and able to sell, ठीक, second point, third point क्या है, at a given price, the third point, these three keywords है, ठीक है, during the given period of time, और ये four keyword है। अगर यहाँ पर क्या है, when All the producers are willing and able to sell at a given price during the given period of time. This is a called, क्या कहेंगे हम लोग इसे, market supply कहेंगे, ठीक है। ये horizontal similar to the individual supply curve होता है। अब ये थोड़ा सा flatter होता है, क्या होता है, ये थोड़ा flatter होता है। इसको हम लोग देख लेते हैं graphical representation कैसा है। देखिए यहाँ पर supply curve, देखिए highly sloping upward है, ये individual supply curve है, ये क्या है, highly
स्लोपिंग अपवर्ड है और सेम यहां पे भी है। लेकिन मार्केट सप्लाई की अगर बात करें हम लोग तो ये क्या है, थोड़ा सा स्लाइडली स्लोपिंग है। स्लाइडली स्लोपिंग अपवर्ड है क्योंकि इसका रीजन क्या होता है, तो परसेंटेज जो चेंज होता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, क्या होता है, स्मॉलर देन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, ठीक, ये इसका रीजन होता है क्योंकि स्मॉल ड्यू टू स्मॉल प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस, द हाई प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी सप्लाई ऑफ द कॉमोडिटी, ठीक है। तो सप्लाई में ज्यादा चेंजेस होगा अगर प्राइस में, एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपको समझाऊं तो अगर मार्केट डिमांड क्या होता है, एक मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ले लूं जरा, अब जैसे कि मैं मार्केट सप्लाई के बारे में आपको मैं समझाता हूं टेबल के थ्रू। जैसे कि प्राइस है, सप्लाई एक्स, सप्लाई वाई एंड मार्केट सप्लाई, ठीक है। अगर हम लोग ले लें 10, 20, 30, प्राइस को हमने बढ़ाया है, आप चाहे तो घटा सकते हैं, तो क्वांटिटी सप्लाई भी हमारी क्या होगी, वो बढ़ेगी, 10, 20, 30 वो भी बढ़ रही है, तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो रही, बढ़ रही है। ये हो जाएगा 20, 30, 40, तो ये भी देखिए बढ़ रहा है। अब मार्केट सप्लाई क्या होता है, मार्केट सप्लाई द कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल सप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 20 + 30 = 50 और ये कितना 40 + 30 = कितना हो जाएगा 70, ठीक है। अब इसी का आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर देख ले तो कैसे होगा, एक मिनट, अब यहां पे मार्केट डिमांड सप्लाई कर्व है, इसको सब ये इसको डिमांड को काट के यहां पे क्या लिख लेंगे, सप्लाई लिख लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग सोचिए कि अगर हमारी सप्लाई 1 पे 1 है, 1 पे 1 है एंड 2 पे 2 है, तो यहां पे आएगा, 3 पे 3 है तो यहां पे आएगा एंड 4 पे 4 है तो यहां पे आएगा। तो सप्लाई कर्व कैसा गया, इंडिविजुअल का अपवर्ड गया, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग देखा जाए कि ये मार्केट डिमांड सप्लाई कर्व 1 था, ठीक, ऐसे समझिए इसको, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। ये हमारा अपवर्ड जाएगा, ठीक है। अभी दूसरी अगर बात करें हम लोग, जैसे कि अगर हमारा ये सप्लाई एक्स थी, वाई थी, अब सप्लाई एक्स की बात करें तो 1 पे 2 ये मिल लिया, 2 पे 3 ये ले लिया, 3 पे 4 हमने ये ले लिया एंड 4 पे 5 हमने ये ले लिया। तो अब हमारा डिमांड कब कैसे जाएगा, सप्लाई कब, सॉरी, ये हाईली स्लोपिंग हुआ
और ये वाला भी हम कर दें। अब ये हमारा क्या बन गया, सप्लाई कर्व बन गया। ठीक है, अब जैसे कि हमने टेबल आपको बताया था कि टेबल एक तो हम फिर से बना दें, यहां पर प्राइस है, क्वांटिटी सप्लाई एक्स, क्वांटिटी सप्लाई वाई एंड मार्केट सप्लाई। जैसे मैंने कहा कि 1, 2, 3 प्राइस ये बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाई 1, 2, 3 बढ़ रही है, यहाँ पे 2, 3, 4 बढ़ रहा है तो मार्केट सप्लाई इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल सप्लाई 3, 7, 3 पर 5 और यहाँ पे कितना 7। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग इसको पहले कंपेयर कर चुके हैं ये और ये, हम लोग प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई को कंपेयर करेंगे वाई को। ठीक है, इसको एक्स मान लेते हैं, सप्लाई एक्स है ये। ठीक है, अब सप्लाई वाई के बारे में बात करेंगे, ये सप्लाई वाई है। ठीक, अब सप्लाई वाई हो गया, अब मार्केट सप्लाई के बारे में बात करेंगे तो 1 पे 3 है, 1 पे 3 है ये आ गया। 2 पर हमारा है 5 तो हमारा ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 5 आ गया और उसके बाद 3 पे हमारा क्या है, 7 है तो 3 पे हमारा ये 7 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा सप्लाई कर्व मार्केट सप्लाई कर्व बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक लाइन खींच लेंगे, जी हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा मार्केट सप्लाई करेगा। अब मार्केट सप्लाई देखिए ये क्या है, हमारा थोड़ा सा स्लाइडली स्लोपिंग है, स्लाइडली स्लोपिंग है। अब इसके होने के रीजन क्या है, स्लाइडली स्लोपिंग है, और इंडिविजुअल कर्व क्या है, हाईली स्लोपिंग है। ठीक है, अब इसके रीजन क्या होता है, व्हाई द मार्केट डिमांड कर्व और ये मार्केट सप्लाई कर्व इज हाईली स्लोपिंग, तो इसका रीजन है देखिए क्या है कि अगर चेंजेस देखा जाए तो पहला चेंजेस जो हो रहा है वो फर्स्ट पे 3 का है, यहाँ का है। ठीक है, तो 3 से लेकर के 5 तक का चेंजेस हो रहा है। ठीक है, डिफरेंस कितने का है, 2 का है। और इसी तरह प्राइस में देखा जाए तो 1 का चेंजेस हो रहा है। द स्मॉल प्रोपोर्शनल चेंज प्राइस लेड टू हाई प्रोपोर्शनल चेंज इन द सप्लाई, तो सप्लाई में कैसा चेंजेस हो रहा है, हाई प्रोपोर्शन का चेंजेस हो रहा है। ठीक है, और डिमांड में कैसा हो रहा है, सप्लाई में प्राइस में कैसा हो रहा है, प्राइस में स्मॉल प्रोपोर्शनेट का चेंजेस हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो चेंजेस हुआ है ये कैसा हो रहा है, ये हाई प्रोपोर्शन का हो रहा है, और इधर जो चेंजेस हुआ है वो क्या हो रहा है, लेस प्रोपोर्शनेट का हुआ है। तो इसके वजह से जो चेंजेस हो रहा है, इसके वजह से मार्केट सप्लाई जो कर्व होता है वो स्लाइडली स्लोपिंग होता है। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, स्लाइडली स्लोपिंग सप्लाई कर्व, द रीजन इज बिहाइंड दैट स्मॉल प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस लेट द हाई प्रोपोर्शनल चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाई, दैट द रीजन बिहाइंड इट मार्केट सप्लाई इज स्लाइडली स्लोपिंग। ठीक है, और इंडिविजुअल सप्लाई में क्या था, इक्वल प्रोपोर्शनल चेंज इन द सप्लाई और द प्राइस या स्मॉल प्रोपोर्शनल चेंज इन द सप्लाई एज कम्पेयर टू द प्राइस, ये हम लोग लिखेंगे किसमें, मार्केट सप्लाई कर्व में। ठीक है, अब इसका देखिए ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी मैंने बना दिया था, उसको हमने समझा दिया कि कैसे होता है। ये देखिए
मार्केट सप्लाई के बारे में ऑलरेडी हमने आपको बताया था। द कॉम्बिनेशन एक्स से ये दो है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने बताया था। आपके पास सप्लाई कर्व के बारे में हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारा था सप्लाई कर्व, दिस लाइवली स्लोपिंग हो रहा, इसका रीजन में बता दिया क्या था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है आज, ये हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, मूवमेंट ऑफ अलोन द सप्लाई कर्व चेंजिंग इन क्वांटिटी सप्लाई। अब ये चीज समझने चीज है, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, अब द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ द कॉमोडिटी चेंज ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, ठीक है। की द फैक्टर्स रिमेन द कॉन्स्टेंट, की द फैक्टर सप्लाई कॉन्स्टेंट नोन एज द चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाई। मतलब कहने का कि अगर प्राइस मूवमेंट ऑफ द मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व में, जो प्राइस के वजह से जो सप्लाई में चेंजेस होते हैं, चाहे वो बढ़े चाहे वो घटे, और अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में इसके अंदर दो चीज आती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई और दूसरा आता है क्या, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, ठीक। अब बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में क्या कहेंगे, व्हेन द क्वांटिटी सप्लाई फॉल ड्यू टू द डिक्रीज इन ओन प्राइस, प्राइस की वजह से, मतलब कि सप्लाई का गिरना, प्राइस के गिरने की वजह से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहते हैं। और ये भी अपवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि यहाँ पर जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई कर्व है, व्हेन द क्वांटिटी सप्लाई राइज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी और अदर फैक्टर्स को क्या माना गया, कॉन्स्टेंट मान लिया गया। ये चीज़ें हमारी क्या होती है, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। यहाँ पे सप्लाई कर्व बढ़ता है, ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे सप्लाई कर्व क्या हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है। राइटवर्ड शिफ्ट होता है, तो प्राइस की वजह से सप्लाई का राइटवर्ड किस कंडीशन में होगा, एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन या एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे क्या आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व। अब यहां पर प्राइस नहीं, अदर फैक्टर की वजह से, ड्यू टू अदर फैक्टर सप्लाई में जो भी चेंजेस होते हैं उसे कहा जाता है, ठीक है। यहां प्राइस को कॉन्स्टेंट माना जाता है, प्राइस बिकम इररिलेवेंट, मतलब प्राइस का यहाँ पे कोई रोल होता ही नहीं है। तो ये चीजें हमारी यहाँ पर आएगी, ठीक है। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। देखिए अब प्राइस तो देखिए कॉन्स्टेंट है, यहाँ पूरा देखिए यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, प्राइस चेंज हो ही नहीं रही, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन डिमांड क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है राइटवर्ड, तो अब ये शिफ्ट होगा राइटवर्ड, तो इसको क्या कहते हैं, इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। प्राइस के कॉन्स्टेंट रहने पर क्वांटिटी सप्लाई अगर इंक्रीज हो जाती है तो उसे कहते हैं क्या हम लोग, इंक्रीज इन डिमांड। द इंक्रीज इन सप्लाई रिफर टू द राइज इन द सप्लाई ऑफ द कॉमोडिटी कॉज ड्यू टू द फेवरेबल चेंज इन एनी फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड लाइन, देखिए चेंज इन एनी फैक्टर्स, फैक्टर्स आपको पता ही है, अभी पढ़ा चुके हैं, ठीक। उसके वजह से जो चेंजेस होता है सप्लाई में, उसकी वजह से जो चेंजेस हो रहा है उसे कहते हैं, अगर सप्लाई बढ़ गई अदर फैक्टर की वजह से, ठीक है, अदर देन प्राइस, तो उसको सप्लाई इंक्रीज इन सप्लाई कहेंगे। इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन सप्लाई हो जाएगा। डिक्रीज सप्लाई में क्या है, डिक्रीज इन सप्लाई रिफर टू फॉल इन द सप्लाई ऑफ द कॉमोडिटी कॉज ड्यू टू द
अनफेवरेबल, अनफेवरेबल चेंजेस इन द फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई, ठीक, और एंड अदर देन ओन प्राइस, प्राइस कुछ नहीं होना इसमें, क्या है प्राइस कॉन्स्टेंट रहेगी एंड क्वांटिटी सप्लाई फॉल कर जाती है, और ये जो फॉल होती है वो किसकी वजह से होती है, अनफेवरेबल चेंज इन फैक्टर्स की वजह से, ड्यू टू द अनफेवरेबल चेंजेस इन द फैक्टर की वजह से यहाँ पे चेंज हो जाती है, तो इसी को कहते हैं हम लोग डिक्रीज इन सप्लाई कहते हैं। अब इसके ये डिफरेंस है एक्सटेंशन के और डिक्रीज के, ठीक है, एक्सटेंशन में क्या होता है सप्लाई बढ़ जाती है, यहाँ पे प्राइस इफेक्ट आता है, प्राइस के बढ़ने पे क्वांटिटी सप्लाई का बढ़ना होता है, और यहाँ प्राइस कॉन्स्टेंट रहती है और क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाती है, तो ये चीज़ हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ लिया था इसका भी हम लोगों ने। और उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस पढ़ेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।